यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। सुदूर केरल से आप सबों को वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो भी केरल के कोटायम शहर या उसके आसपास में हिंदी बोलने वाले हैं, आप मेरे नंबर पर जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है संपर्क कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में प्रेयर फेलोशिप का हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकें। हम पुराना नियम के बातों को जब देखते हैं, पुराने नियम काल में राजाओं का जमाना था, राजा लोग राज करते थे, अक्सर एक दूसरे राजा के बीच में लड़ाई होना स्वाभाविक हो जाता था, और अक्सर जो राजा जीतता था खुशी मनाता था, पूरे राज में खुशियाली का समय होता था, नाचते गाते और ये लोग बाजा बजाते, ये स्वाभाविक रूप से था। और इस प्रकार की परिस्थिति जैसा था वैसे ही भविष्य में यशायाह कहता है, भविष्य में ऐसा ही एक राजा होगा जिसके द्वारा से सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा और शांति की स्थापना होगा और लोगों को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। यानी यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी के रूप में इस वचन को हम देखने पाते हैं। यशायाह जो कि यीशु के आने से 700 साल पहले उन्होंने अपने सेवा का काम को दिया, उसी समय यीशु के आगमन के बारे में चर्चा किया है और उसके राज में कैसे होगा उसके बारे में चर्चा किया है। ये मंदिर में दर्शन को पाता है और ये दर्शाने का कोशिश करता है कि यीशु के आने के बाद में मनुष्य के साथ में ईश्वर का जो संबंध है खराब हो गया पाप के कारण से, जिसके फलस्वरूप पाप के फलस्वरूप परमेश्वर ने लोगों को बार बार बंधुआई में भेजा। हम देखने पाते हैं आदम हवा पाप किया, उनको बारिश निकाल दिया गया। हम नूह के समय के लोगों को देखते हैं, जैसे पाप किया उनको पानी से डुबा के मार दिया जाता है और बार बार कई प्रकार के बंधुआई में जाते हैं, जिसमें से हम देखने पाते बाबुल के बंधुआई, हालांकि लोग छूट कर आते हैं और ये क्षणिक होता है कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर से पाप के कारण कहीं चले जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद में मनों की परमेश्वर का क्रोध को शांत करने का उन्होंने काम किया और उन्होंने क्या किया, हम सबों के लिए उद्धार का काम को क्रूस के ऊपर में पूरा किया। और उस खुशी के लिए यहाँ पर गीत गाया गया है और गीतों की चर्चा हम पाते हैं 1-3 पद में ही, जो कि पुराना गीत है जो मूसा और मरियम और इसराइलियों के द्वारा जब ये लोग कनान देश की यात्रा में थे, मिस्रियों ने उनका पीछा किया था परंतु नदी में डूब के मर गए, ये लोग बच जाते हैं, उसके बाद में इन गीतों को गाते हैं। और बाइबल का यह ऐसा पहला गीत है, कहा जाता है मरियम को यहाँ गाते हुए देखने पाते हैं, एक फीमेल सिंगर जो बाइबल में है सबसे पहला जो है मरियम को दर्शाया गया है। और ये जो गीत है चाहे भजन है ना केवल उस समय गाया गया, अब 20 का महत्व है और यह अंतिम दिन में भी गाया जाएगा, यानी कि स्वर्ग में ये भजन गाया जाएगा, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके मेरे लिए। आज का वचन का शीर्षक ही मैंने रख दिया है यहोवा का भजन गाओ, यानी यहोवा का भजन गाना हर एक इंसान का कर्तव्य है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का परमेश्वर के महिमा हो, गुणानुवाद धन्यवाद प्रशंसा हो, ये ईश्वर चाहता है और इसी के लिए परमेश्वर ने आपको मुझे बनाया है। इस शीर्षक के अंदर 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, यहोवा का भजन गाओ, लेकिन क्यों, पहला पॉइंट में हम उसके उद्धार या छुटकारे के काम के लिए, परमेश्वर का जो उद्धार या छुटकारा काम यीशु मसीह के द्वारा जगत के लोगों के लिए, उसके लिए परमेश्वर का भजन गाना है, धन्यवाद का भजन, स्तुति का भजन, प्रशंसा का भजन हो, क्योंकि जगत में शांति को स्थापना करने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आता है। यशायाह 9:6 पद में यीशु को शांति का राजकुमार कहा गया, और इसलिए आपको मुझे बचाने के लिए, ताकि परमेश्वर का क्रोध शांत हो सके। कहीं पर आग लग जाता है तो हम क्या करते हैं, आग बुझाने के लिए जो यंत्र सब होता है उसका इस्तेमाल करते हैं या पानी का इस्तेमाल करते हैं, इसके द्वारा से आग बुझ जाता है। वैसे परमेश्वर का क्रोध को बुझाने के लिए या शांत करने के यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा, अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर देना पड़ा। और इसलिए हम हर परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा करना है, धन्यवाद प्रशंसा करना है। एक उदाहरण बाइबल से ले लेते हैं, प्रेरितों के काम किताब में हम देखने पाते हैं पौलुस और सिलास एक जगह पर क्या होता है, ये लोग को बंद गृह में डाल दिया जाता है, ना केवल डाल दिया जाता है जंजीरों से जकड़ के रखा जाता है, लेकिन रात में परमेश्वर की महिमा और स्तुति के भजन गाते हैं, और गाने के बाद में अचानक से भूकंप होता है, उनके जो कुछ भी
भेड़िया बंधा हुआ था सब खुल जाता है, दरवाजा खुल जाता है, सारी चीज खुल जाता है। यानी परमेश्वर का महिमा प्रशंसा करने के द्वारा उनका जितने भी बंधन थे सारे बंधन से लोग छुटकारा प्राप्त कर लेते, लेकिन भागते नहीं हैं। इसलिए आपको मुझे भी परमेश्वर का महिमा प्रशंसा भजन गाते रहना चाहिए, ताकि प्रभु आपके जीवन इस प्रकार के छुटकारा को लेते हैं, किसी भी प्रकार के बंधन क्यों ना हो, और हम उसी के शरण में रहकर उसकी प्रशंसा महिमा जय जयकार आनंदित हो सके। आप जानते हैं दूसरा विश्व युद्ध जो कि 1945 में ख़त्म होता है, ये दो पक्ष के लोग थे, उसमें जर्मनी हारने वाला में से था और दूसरे ग्रुप में ज़्यादा लोग थे। जब जर्मनी हार गया, आप देखिए जो लोग जीत गए वो लोग कैसा खुशी मनाते हैं। आप यदि द्वितीय विश्व युद्ध के समय का वीडियो देखें या तो फोटो देखें, लोग अपने देश के सड़कों में निकल जाते हैं, लाखों लाख लोग। और मैं देख रहा था कि इंग्लैंड लंदन शहर में लाखों लाख लोग सड़कों में निकल गए, और उनका कपड़ा कैसा था, रेड कलर का, व्हाइट कलर का और ब्लू कलर का पहन के। उसके बाद में एक दूसरे को जाने ना जाने एक दूसरे के साथ मिलकर सड़कों पर वे लोग नाचने लगे, गाने लगे। उनका चित्र सबको आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि जिनसे अनजान थे उनके साथ नाचने गाने के कारण से उनसे एक दूसरे से परिचय बढ़ गया, बाद में उनको वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हैं जैसा कि इतिहास में वर्णन मिलता है। जो भी हो, परंतु एक पक्ष यहाँ आनंदित हो रहा, और कई देश में अलग अलग तरीके से, परंतु वहाँ जर्मनी जहाँ हार जाता है, सरेंडर कर लेता है, वहाँ का जो क्रूर शासक था, कहिए हिटलर, जो है अपने पत्नी के साथ में आत्महत्या कर लेता है। देखिए हारने वाला व्यक्ति का क्या हाल है, जीतने वाला। यीशु मसीह पर हम जैसे विश्वास करते हैं उसे शरण में रहेंगे, हमें वह जीत देगा, जिसे हम आनंदित होंगे, खुशहाली मनाएंगे, प्रशंसा करेंगे। दूसरे वचन जो आज का वचन में कहता है, सारी पृथ्वी पर परमेश्वर का नाम को प्रकट करने के लिए, यानी गीत जो गाना है या भजन जो गाना है, यहोवा का भजन क्यों गाएं, सारे पृथ्वी पर उनको प्रकट करने के लिए, परमेश्वर को प्रकट। देखिए इसराइल जाति को परमेश्वर ने क्यों चुना, इसलिए कि नहीं कि लोग विशेष थे, परंतु इसराइली जाति के द्वारा संसार के सारे लोग परमेश्वर को जाने उनका उद्देश्य था। इसलिए इस उद्देश्य को लोग जाने, क्योंकि ये खुशी की खबर है, गुड न्यूज़ है। देखिए आपके मेरे पास में कोई गुड न्यूज़ होता है, कोई बड़ा काम हो जाता है, कोई काम में हम सफलता अर्जित करते हैं, तो उसे छुपाते नहीं, लोगों के साथ में गुड न्यूज़ को हम शेयर करते हैं, बताते हैं, ताकि लोग जाने और हमारे खुशी में शामिल हो सके, ये हम जानते हैं। तो ये जो परमेश्वर का योजना है सबों को छुटकारा देकर एक नया जीवन, शांति का जीवन, आनंद का जीवन, ये गुड न्यूज़ है, इसे लोगों को बताने की ज़रूरत है। यीशु मसीह इसलिए मत्ती 28:19 पद में कहता है, तुम जाकर सब देशों के लोगों को क्या करना है, वचन के प्रचार करना, जो विश्वास करेंगे बपतिस्मा लेंगे, जो विश्वास नहीं करेंगे उनको वे तो अपने हल पर रहेंगे। प्रेरित क्रिया 1:8 में इसी बात को कहता है, जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। प्रभु के विषय बताना ही गवाही है, प्रभु के महान कार्यों के वर्णन करना गवाही है। इसलिए आइए हम प्रभु के उन बातों को गीतों के माध्यम से, अलग अलग तरीका है जिनके द्वारा से प्रभु का बातों को लोगों तक पहुँचाना या गवाही देना है। 4:6 में इसी बात को कहना चाहता है, सारे सृष्टि में गीतों के माध्यम से, जो भजन हमने आप देखा है, यहोवा का भजन गाओ कहते हैं, क्यों गए, गीतों के माध्यम से। आज देखिएगा संसार में जितने भी लोग हैं, आधा से ज़्यादा मसीही गीतों को गाते हैं चाहे सुनते हैं, एक आंकड़ा के अनुसार में, क्योंकि जहाँ भी परमेश्वर का महिमा होता है गीत वहाँ शामिल होते होते, बहुत ही कम ऐसे अवसर है, प्रोग्राम है जहाँ पर गीत के बिना होता है, नहीं तो अक्सर हमारा प्रोग्राम के साथ संगीत या गीत परमेश्वर के स्तुति धन्यवाद के गीत शामिल होता है। इसलिए हमें क्या करना है, उन बातों को प्रकट करना है ताकि लोग जाने, लोगों को अब भी जानकारी नहीं है, और जानकारी अभाव के कारण से उनके बारे में, परमेश्वर के बारे में, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बारे में अपना अपना सोच विचार उन्होंने बना लिया। बचपन से मेरा एक सोच विचार क्या था, आपने सुना होगा इंडिया गेट, इंडिया गेट हो, जैसे मैं सुनता था मेरे को लगता था इंडिया का एक बड़ा सा गेट है, विदेश से जितने भी लोग आते होंगे उस गेट से इंडिया में घुस जाते होंगे, ये मेरा कल्पना था बचपन में। लेकिन बाद में मुझे पता चला ऐसे कोई बात नहीं है, वो गेट बना हुआ है। लेकिन जब हकीकत में मुझे जाना
का मौका मिला, दिल्ली गया। मुझे लगा कि वहाँ आने के बाद मैं इंडिया गेट देखना जरूरी है, उसे छू कर भी देखना जरूरी है। और मैं गया तब मुझे पता चला कि हकीकत में है क्या चीज़। वो तो जितने सैनिक लोग युद्ध में मारे गए थे उनका सारे लोगों का उस गेट का पत्थर में लिखा हुआ हम पाते हैं। जो भी हो, परंतु जो कल्पना था जाने के बाद में, हकीकत देखने छूने के बाद में, मेरा सारे ये संदेह दूर हो गया। है क्या चीज़ इंडिया गेट उसके बाद। वैसे ही प्रभु के बारे में, परमेश्वर के, यीशु मसीह के बारे में, उद्धार के बारे में, क्रॉस के बारे में लोगों का काफ़ी जानकारी है, काफ़ी काम जानकारी है, जिनके कारण से जो मिसअंडरस्टैंडिंग होना है ये स्वाभाविक होने लगता है। इसलिए गीत एक ऐसा माध्यम जिनके जरिए से प्रभु के बातों को लोगों तक पहुँचाए, ताकि लोग प्रभु को जाने। और कई कई माध्यम हैं, बाइबल पढ़ने के द्वारा लोग जा सकते हैं, वचन के माध्यम से भी, सुनने सीखने के द्वारा से भी, अन्य अन्य माध्यम से, किताबों के माध्यम से, कई तरीक़े से हम सीखते हैं। लेकिन तब गीत एक माध्यम है जिसका इस्तेमाल करें, ताकि प्रभु का बातों को जान सकें और उसे उद्धार का तर्क रूप में ग्रहण कर सकें, ताकि सभी को शांति उद्धार में शामिल हो सके। परमेश्वर ऐसा करने में हर की सहायता अगुवाई कर, आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।